नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अवैध वसूली का वीडियो बनाने पर मंडी निरीक्षक रविंद्र कुमार सचान ने सब्जी व्यापारियों हारून, उसामा, याकूब व एक अज्ञात पर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने का बिना प्रमाण के फर्जी मुकदमा थाने में दर्ज करा दिया। जी हां, आपको बता दें, मुकदमे के बाद से सब्जी व्यापारी लगातार परेशान हैं। व्यापारी हारून ने बताया कि पिछले कई सालों से मंडी समिति के अधिकारियों के संरक्षण में आने जाने वाले चालकों से अवैध वसूली की जाती है, जिसका विरोध करने व वीडियो बनाने पर मंडी निरीक्षक ने उनके खिलाफ फर्जी मुकदमा सचिवनी थाने में दर्ज कराया है। व्यापारियों ने बताया कि FIR में मंडी निरीक्षक ने 3 नामजद व्यापारियों व 40 अज्ञात लोगों की भीड़ के साथ सरकारी दस्तावेज फाड़ने का आरोप लगाया है, जबकि मुकदमे में केवल 3 नामजद व्यापारियों, एक अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है, जिसमें प्रमाणित होता है कि मुकदमा बिना प्रमाण के व्यापारियों पर दबाव बनाने के लिए कराया गया है। व्यापारियों ने मीडिया के माध्यम से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं मंडी समिति में अवैध वसूली का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए कानपुर से संवाददाता मधु श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। सब क्या मामला है, क्या हुआ है? हमारी चकरपुर सब्जी मंडी में अवैध तरीके से गेट पे उगाई गाड़ी प्रवेश होने पर और बाहर निकलने पर दोनों तरीके से उगाई होती है। उसमें 100 रुपये से लेकर 500 तक के उगाई होती है, जिसका विरोध करने पे हम लोगों से उन्होंने FIR कर दी है, जो कि हम लोग वहाँ पर FIR सचिव द्वारा की गई है। और ये आपके रविंद्र कुमार सचान हैं, मंडी निरीक्षक हैं, इन्होंने करी है हमारे खिलाफ, जिसका उनके पास किसी तरह का कोई प्रूफ नहीं है। और हमने उनकी वीडियो बनाई है, जो मंडी में उगाई कर रहे थे उसका मैंने वीडियो बनाया है। अच्छा, आप लोग कौन है, क्या? हम लोग सब्जी के व्यापारी हैं चकरपुर मंडी के, और हम लोगों ने दुकानें तोड़ के पूरा करा अपना। तोड़ क्यों दिया, क्या अवैध दुकानें? अवैध दुकानें नहीं है, बस टीन शेड दो दो फुट आगे पानी से बचाने के लिए, थोड़ा सेफ्टी के लिए, धूप के लिए लगाए हुए थे, वो तोड़ दिए।